Good evening, everyone. Today we are going to discuss the last part of the time series analysis, and this is the seventh part or the last part of the time series analysis. Earlier we have discussed in the YouTube lectures. The very first lecture is on the basic issues related to time series analysis. Then we have discussed the fifth part of the time series analysis lecture and sixth part of the time series analysis lecture. In the fifth and sixth part, we have covered two aspects. The first aspect pertains to the stationarity, and the second aspect pertains to the identification problem. तो अब तक जो भी हम लोगों ने लेक्चर लिए हैं, जितने भी लेक्चर लिए हैं टाइम सीरीज एनालिसिस में यूट्यूब पर, खाली मैं उस यूट्यूब लेक्चर्स की बात कर रहा हूँ, उसमें सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट लिया था और उसमें आपको बेसिक मॉडल के बारे में बताया था कि टाइम सीरीज मॉडल क्या होता है. बेसिकली एरमा या एरिमा मॉडल हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि उसके दो कंपोनेंट है, एक ऑटो रिग्रेसिव और एक मूविंग एवरेज कंपोनेंट. और फिर उसके बाद जब फिफ्थ पार्ट लिया तो हमने एस्टिमेशन प्रोसेस के बारे में बताया, और एस्टिमेशन प्रोसेस में हमने आपको बताया था कि कुल मिला के पांच स्टेप्स होते हैं. देयर आर फाइव स्टेप्स इन द एस्टिमेशन प्रोसेस. उसमें पहला स्टेप है स्टेशनरिटी का. स्टेशनरिटी का मतलब है नियर स्टेशनरिटी, नॉट कंप्लीट स्टेशनरिटी. और नियर स्टेशनरिटी में मतलब हम कितना सीरीज को डिफरेंस करें कि वो स्टेशनरी हो जाए. और उसके बाद दूसरा पार्ट जो बताया था या दूसरा एस्पेक्ट जो हमने आपको डिस्कस किया था वो था आइडेंटिफिकेशन का. आइडेंटिफिकेशन में हम दो तीन चीजें देखते हैं. पहला है ऑर्डर ऑफ ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस, कि जो ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस उसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है. फिर उसको हम पी से, स्मॉल पी से इंडिकेट करते हैं. दूसरा जो पार्ट है वो डिफरेंस का है, कि हाउ मेनी टाइम्स द सीरीज हैज टू बी डिफरेंस टू मेक इट स्टेशनरिटी. डी डिफरेंसिंग के लिए है, कि कितनी बार हम डिफरेंस करें सीरीज को कि वो स्टेशनरिटी हो जाए. और तीसरा जो हिस्सा है आइडेंटिफिकेशन का वो क्यू है, स्मॉल क्यू, ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेज प्रोसेस. मूविंग एवरेज प्रोसेस का ऑर्डर क्या है, वो भी फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, अपना बड़ा संभल के हम लोग को निकालना पड़ता है. और आइडेंटिफिकेशन के लिए चाहे ऑटो रिग्रेसिव हो चाहे मूविंग एवरेज हो, हम लोग ऑटो कोरिलेशन फंक्शन और पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन से निकालते हैं. अगर ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस है तो जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है वो डैम्स आउट हो जाता है, धीरे धीरे गिरता है. It declines exponentially. और partial autocorrelation coefficient जो है वो it cuts off after the length of lag, कि जो length of lag है उसके बाद वो zero हो जाता है या negligible हो जाता है. और जो moving average process है हमने आपको बताया था बहुत अच्छे से कि it is the reciprocal of average auto regressive process. ये जो moving average process है वो auto regressive process का reciprocal है. तो जो properties AR में लगेंगी उसकी रिवर्स मूविंग एवरेज में लगेंगी. वहां पे ऑटो कोरिलेशन फंक्शन डैम्स आउट होता है, यहाँ ऑटो कोरिलेशन फंक्शन मूविंग एवरेज में कट्स ऑफ आफ्टर द लेंथ ऑफ लैग. और जो मूविंग एवरेज प्रोसेस है वो डैम्स आउट हो जाता है एज द लेंथ ऑफ लैग इंक्रीजेस. तो ये सारी चीजें हैं इसमें जो आपसे हमने डिस्कस किया अभी तक. और इसके बाद जो आज डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं वो थर्ड पार्ट है. पहला पार्ट स्टेशनरिटी का, दूसरा आइडेंटिफिकेशन का, और तीसरा पार्ट है एस्टिमेशन का, कि हाउ टू एस्टिमेट द एरमा मॉडल या एरिमा मॉडल. एरमा और एरिमा में हमने आपको डिफरेंस बताया था कि जो ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज मॉडल है एरमा, उसमें हम सीरीज को पहले स्टेशनरी बना लेते हैं और फिर एस्टिमेशन करते हैं. और एरिमा में हमें ये बताना पड़ता है कि
ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, यानी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वही होगा जितनी बार हम सीरीज को डिफरेंस कर रहे हैं। तो अगर एक बार कर रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वन है, दो बार डिफरेंस किया तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन टू है। तो एरिमा मॉडल में हमें ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन बताना पड़ता है क्योंकि जब हम फोरकास्ट करेंगे तो जो डिफरेंट सीरीज है उसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो एरिमा मॉडल में ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन प्रोसेस हैज टू बी स्पेल्ड आउट। यहाँ पे एस्टिमेशन प्रोसेस पे अब हम लोग चल रहे हैं और सबसे पहले इसमें जो स्टेंजा है उसमें लिखा है एस्टिमेशन ऑफ द मॉडल इम्प्लाइज एस्टिमेटिंग पैरामीटर्स ऑफ द एआर एंड एमए कंपोनेंट्स ऑफ द मॉडल। कि एस्टिमेशन में हमें जो एआर कंपोनेंट है उसके जो पैरामीटर्स और मूविंग एवरेज कंपोनेंट के पैरामीटर्स को एस्टिमेट करना पड़ता है। बड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एआर कंपोनेंट्स को हम ओएलएस मॉडल से एस्टिमेट कर सकते हैं, वहां पे एसिम्प्टोटिक जस्टिफिकेशन हम दे सकते हैं उसके लिए, लेकिन जो मूविंग एवरेज टर्म्स हैं वो वहां पे ओएलएस अप्लाई नहीं होगा, वहां पे आपको मैक्सिमम लाइक्लीहुड प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा, एमएल या मैक्सिमम लाइक्लीहुड प्रोसीजर। दिस इज बिकॉज इवन लोएस्ट ऑर्डर मूविंग एवरेज प्रोसेस रिक्वायर नॉन लीनियर मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन, क्योंकि जो लोएस्ट ऑर्डर है मूविंग एवरेज प्रोसेस उसके लिए भी नॉन लीनियर मेथड्स को हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वहां पे ओएलएस अप्लाई नहीं हो पाएगा। वी हैव टू यूज मूविंग एवरेज, वी हैव टू अप्लाई मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन मेथड। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इसलिए ज्यादातर जो एस्टिमेशन अगर आपको करना है एरिमा का या एरिमा का, क्योंकि मैंने आपको बताया बॉक्स जेनकिंस ने इसको सिंप्लीफाई कर दिया था, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम उसका बना दिया था, तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर ई व्यूज ले लीजिए, स्टेटिस्टिका ले लीजिए, एसपीएसएस ले लीजिए, वहां पे आप आसानी से पैरामीटर्स को एस्टिमेट कर सकते हैं। मैनुअली एस्टिमेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है अगर हायर ऑर्डर एआर प्रोसेस है या मूविंग एवरेज प्रोसेस है, तो बेस्ट वे इज टू यूज द सॉफ्टवेयर स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर इधर SPSS, eViews और स्टेटिस्टिका। तो कोई भी आप एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर प्रोसीजर स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर पैकेज आपको लेना पड़ेगा और उस पर आपको भरोसा करना पड़ेगा। जॉनस्टन ने मैंने बताया था eViews का इस्तेमाल किया हुआ है, आप भी eViews का यूज कर सकते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द सॉफ्टवेयर दैट यू हैव एंड दैट यू आर यूजिंग, आपको वहाँ थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ है आज की तारीख में जैसे डेटा एनालिस्ट और इन सब की पोस्टें बहुत आ रही हैं, वहाँ पे फाइनेंशियल इकोनोमेट्रिक्स और जो टाइम सीरीज एनालिसिस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इकोनॉमिक्स की बैकग्राउंड अगर आपको है तो आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है बींग ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, यू हैव ग्रेटर एक्सेस टू जॉब्स, और हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे अपने सिलेबस को जो इकोनोमेट्रिक्स का खास कर रहा है, क्योंकि हम लोग के पास अभी उतनी पूरी लैब नहीं है कि हम आपको प्रैक्टिकली उस चीज़ को हर चीज़ को दिखा पाए, थोड़ा सा आप में भी उत्साह हो, जागरूकता हो, सॉफ्टवेयर हो तो आप उसको सीख सकते हैं, सीखिए सीखिए जरूर। अब फोर्थ पार्ट में चलते हैं, थर्ड पार्ट हमने आपको थोड़ा एस्टिमेशन प्रोसेस के बारे में बताया कि कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर कोई भी यूज करके आप उसे एस्टिमेट कर सकते हैं। चौथे में डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन ऑफ द एस्टिमेटेड मॉडल है कि जो आपने मॉडल एस्टिमेट किया है उसका इवेल्युएशन कैसे करेंगे कि वो सही है या गलत है, हाउ टू चेक द एस्टिमेटेड मॉडल वेदर इट रिप्रेजेंट द मॉडल दैट यू हैव एस्टिमेटेड करेक्टली रिप्रेजेंट द रियलिटी और नॉट, तो वास्तव में वो जो रियलिटी है उसको रिप्रेजेंट करता है या नहीं जो आपने पैरामीटर्स एस्टिमेट किए हैं, जो मॉडल एस्टिमेट किया है। तो उसके लिए यहाँ दिया है कि हैविंग एस्टिमेटेड द मॉडल द नेक्स्ट स्टेप इज टू एग्जामिन वेदर एस्टिमेटेड मॉडल इज बेस्ट फिटेड मॉडल और नॉट, कि क्या वो बेस्ट फिटेड है या नहीं है। ओएलएस रिग्रेशन में हम एडजस्टेड आर स्क्वायर और एफ स्टैटिस्टिक यूज करते हैं,
जब एरमा या एरिमा मॉडल है तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है इवेल्यूएशन ऑफ एरमा ऑब्लिक एरिमा मॉडल रिक्वायर दैट रेसिडुअल्स ऑफ द फिटेड मॉडल। ये जो रेसिडुअल्स हैं आपने जो मॉडल फिट किया, यानी रेसिडुअल्स का मतलब है ई आई की जो वैल्यूज है या यू आई की जो वैल्यूज है, दैट रेसिडुअल्स ऑफ द फिटेड मॉडल बी टेस्टेड बाय बॉक्स पेयर्स और लुजंग बॉक्स स्टैटिस्टिक। दो स्टैटिस्टिक्स यहाँ दी हैं, एक बॉक्स पेयर्स स्टैटिस्टिक है, जैसे आपने पहले टी स्टैटिस्टिक पढ़ी, एक मैकेनॉन क्रिटिकल वैल्यूज पढ़ा। अब यहाँ पे ये दो नई स्टैटिस्टिक्स हैं, बॉक्स पेयर्स स्टैटिस्टिक्स और लुजंग बॉक्स स्टैटिस्टिक्स, एलबी स्टैटिस्टिक शॉर्ट में बोलते हैं, और बॉक्स पेयर्स को क्यू स्टैटिस्टिक बोलते हैं। तो क्यू स्टैटिस्टिक और एलबी स्टैटिस्टिक के माध्यम से आप ये टेस्ट कर सकते हैं कि जो रेसिडुअल्स हैं एरमा मॉडल के, उनकी फिटिंग को आप देख सकते हैं। तो अगर रेसिडुअल्स जो हैं वो नल हाइपोथेसिस को होल्ड करते हैं, यानी दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी आपकी जो क्यू वैल्यू है एस्टिमेटेड लेस देन टेबुलेटेड वैल्यू है, या एलबी एस्टिमेटेड लेस देन टेबुलेटेड वैल्यू है, तो इसका मतलब है आपका फिटेड मॉडल सही है, एरर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, एरर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये मतलब है उसका। तो आइए देखें कि क्यू स्टैटिस्टिक क्या होती है और एलबी स्टैटिस्टिक क्या होती है। यहाँ क्यू का फॉर्मूला दिया हुआ है, क्यू इक्वल टू एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, समेशन लगा हुआ है, जे इक्वल टू वन टू एन जो भी लेंथ ऑफ लैग है आपकी, रो स्क्वायर जे, रो ऑटो कोरिलेशन कोफिशियंट है, रो ऑटो कोरिलेशन कोफिशियंट है, एक लेंथ लैग है, दो लेंथ लैग है, उन सबका सम का स्क्वायर है, यहाँ पे लेंथ ऑफ लैग के सम का स्क्वायर है, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन कोफिशियंट है, उन सबका सम है। तो यहाँ जॉइंट हाइपोथेसिस आप टेस्ट कर सकते हैं, जॉइंट हाइपोथेसिस वेदर द सम ऑफ ऑल ऑटो कोरिलेशन कोफिशियंट इज सिग्निफिकेंट और नॉट। एलबी स्टैटिस्टिक्स में भी यही करते हैं, फार्मूला फर्क है, बॉक्स पेयर्स में केवल एन लगा हुआ है बाहर, यहाँ पे एन एन प्लस टू लगा हुआ है, समेशन रो स्क्वायर जे, समेशन रो स्क्वायर जे और अपॉन है एन माइनस जे, यहाँ जे गोइंग फ्रॉम वन टू एम है, लेंथ ऑफ लैग है। तो ये जो आप चेक कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात यह है कि यू आर चेकिंग वेदर द रेसिडुअल्स ऑफ द फिटेड एरमा और एरिमा मॉडल्स आर सिग्निफिकेंट और नॉट, यानी जो एरर टर्म है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। अगर एरर टर्म सिग्निफिकेंट है तो मॉडल, यानी जो फिटेड मॉडल है वो अच्छा नहीं है, इट्स नॉट गुड फिट। तो इसलिए ये जरूरी है कि जो बॉक्स पेयर्स स्टैटिस्टिक है वो इनसिग्निफिकेंट होनी चाहिए, यानी नल हाइपोथेसिस मस्ट होल्ड। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि बोथ क्यू एंड एल बी स्टैटिस्टिक फॉलो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं। एंड इफ क्यू एस्टिमेटेड इज लेस देन क्यू क्रिटिकल मतलब टेबुलेटेड वैल्यू एट 5% एट एम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एट 5% प्रोबेबिलिटी लेवल एंड एम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो अगर ये क्यू एस्टिमेटेड लेस देन क्यू क्रिटिकल वैल्यू है, क्यू टेबुलेटेड वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि जो एरमा या एरिमा मॉडल आपने फिट किया है वो सिग्निफिकेंट है, इट्स अ गुड फिट, यानी रेसिडुअल्स आर इनसिग्निफिकेंट। इसी तरह अगर एलबी आप चेक कर रहे हैं तो लुजंग बॉक्स स्टैटिस्टिक, तो एलबी एस्टिमेटेड इज लेस देन एलबी क्रिटिकल, दोनों अलग अलग लीजिएगा, क्यू का क्यू के साथ रखिएगा, एलबी का एलबी के साथ रखिएगा। यहाँ हमने स्पेस बचाने के लिए एक जगह पे कर दिया है, ये बता दें आप, मतलब आप जब लिखेंगे तो क्यू एस्टिमेटेड इज लेस देन क्यू क्रिटिकल एट 5% प्रोबेबिलिटी लेवल फॉर एम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और अगर एलबी ले रहे हैं तो एलबी एस्टिमेटेड इज लेस देन एलबी क्रिटिकल एट 5% प्रोबेबिलिटी लेवल फॉर एम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो दोनों अल्टरनेटिव स्टैटिस्टिक्स हैं, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। मैंने कंबाइंड करके लिखा और लगा दिया है, इसीलिए कि सेम नहीं है, अलग अलग स्टैटिस्टिक्स हैं, और ज़्यादातर जगह अब क्यू सॉफ्टवेयर में आपको मिलेगा, एलबी स्टैटिस्टिक सॉफ्टवेयर में कम देते हैं, तो कोई भी आप एक स्टैटिस्टिक यूज कर सकते हैं।
तो ये हमने आपको बताया जॉइंट हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ऑटो कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर सर्टेन लेंथ ऑफ लेग इज सिग्निफिकेंट और नॉट। अभी हम आगे डायग्राम में भी आपको दिखा देंगे कि जब आप सॉफ्टवेयर से एस्टिमेशन करते हैं तो जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन बनता है वहां पे आपको क्यू की वैल्यू मिलेगी। तो बेसिकली यहाँ जो क्यू है वो हम रेसिडुअल्स को टेस्ट कर रहे हैं और रेसिडुअल सिग्निफिकेंट नहीं होना चाहिए, और रेसिडुअल्स सिग्निफिकेंट ना होने के लिए नल हाइपोथेसिस शुड होल्ड, यानी क्यू एस्टिमेटेड शुड बी लेस देन क्यू क्रिटिकल और एल बी एस्टिमेटेड मस्ट बी लेस देन एल बी क्रिटिकल एट 5% प्रोबेबिलिटी लेवल फॉर एम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पे ये हमने इंडिया के केस में लॉग ऑफ रियल जीडीपी का मॉडल फिट किया हुआ है, एरिमा मॉडल है 111, यानी ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस 1 है, इंटीग्रेशन का ऑर्डर 1 है और ऑटो मूविंग एवरेज प्रोसेस का ऑर्डर 1 है। और ये फिटिंग देखिए बहुत अच्छी है, जो रेड लाइन है उसके अंदर ही सारा कुछ है, इसके बाहर नहीं जा रहा। और इस डायग्राम के राइट हैंड पे देखिए ऊपर Q और P लिखा है, Q बॉक्स पेयर स्टैटिस्टिक है और P जो है प्रोबेबिलिटी लेवल है, यानी 5% पे सिग्निफिकेंट है या 10% पे या 20% पे वो प्रोबेबिलिटी लेवल है। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेगा कि जो है यहाँ पे लेंथ ऑफ लेग दी है 1, 2, 3 15 लेंथ ऑफ लेग तक दिया हुआ है। यहाँ पे ऑटो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यूज दी हुई हैं उसके बाद लैग के, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा अगर आपको स्लाइड में दिख रहा हो, और स्टैंडर्ड एरर भी दिया हुआ तो आप स्टैंडर्ड एरर से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन आजकल ज़्यादातर बॉक्स पेयर से स्टेटिस्टिक हम यूज कर रहे हैं। तो अगर आप देखिए जो लेंथ ऑफ लेग, अगर आप देखें 15 लेंथ ऑफ लेग अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पे क्यू की वैल्यू जो है बहुत लो है, इट्स वेरी लो। अगर 12-14 पे आप देखिए 14 लेंथ ऑफ लेग पे तो 0.49 है और प्रोबेबिलिटी लेवल है 56% प्रोबेबिलिटी सिग्निफिकेंट है, तो यानी 5% पे सिग्निफिकेंट नहीं है। तो जो सम है ऑटो कोरिलेशन, क्योंकि बॉक्स पेयर स्टैटिस्टिक है एन समेशन रो स्क्वायर जे, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द ऑटो कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर लेग लेंथ 14 इज 0.49 और 56% पे वो सिग्निफिकेंट है, नॉट एट 5%। यानी एस्टिमेटेड मॉडल जो है आपका बहुत सिग्निफिकेंट है, ऑटो जो रेसिडुअल्स हैं दे आर नॉट सिग्निफिकेंट एट 5% प्रोबेबिलिटी लेवल। और इसी तरह अगर 15 लेंथ ऑफ लेग आप ले देख रहे हैं तो ऑटो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू 0.068 है लेफ्ट हैंड साइड पे, और सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑटो कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेरे ख्याल से 0.88 है और सिग्निफिकेंस लेवल 61% है। तो ये रिग्रेशन मॉडल बहुत अच्छा फिटेड है, इसको आप यूज कर सकते हैं आगे। और ये पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है, लेकिन जब टेस्टिंग है तो आपको ऑटो कोरिलेशन कोएफिशिएंट एरिमा मॉडल की फिटिंग को अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑटो कोरिलेशन कोएफिशिएंट या ऑटो कोरिलेशन फंक्शन आपको देखना पड़ेगा। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी दिखाया गया है कि जो पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है उसका भी फिटिंग बहुत अच्छा है। जो भी डेविएशन हैं बेसिकली लेंथ ब्लैक के वो सारे रेड लाइंस के अंदर है, लेकिन मेनली जब बॉक्स पेयर स्टैटिस्टिक आप यूज करते हैं तो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन आपको देखना पड़ेगा। फोरकास्टिंग लास्ट पार्ट है इसमें, वो है फोरकास्टिंग ऑफ इकोनॉमिक टाइम सीरीज मॉडल। ये जो यूनिवेरिएट मॉडल है उसको आप फोरकास्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं, और यहाँ लिखा है कि वन ऑफ द यूजेस ऑफ यूनिवेरिएट टाइम सीरीज मॉडल इज दैट इट प्रोवाइड गुड एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर प्रोजेक्शंस ऑफ द वेरिएबल ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कि अगर आप अल्पकालिक समय अवधि ले रहे हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ले रहे हैं, तो यूनिवेरिएट टाइम सीरीज मॉडलिंग जो है
अच्छी फिटिंग देगा ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स और 6 ईयर्स। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शंस ले रहे हैं तो बहुत एक्यूरेट फिटिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि लॉन्ग रन में एक्सोजीनस शॉक्स या इनोवेशन जो हैं दे चेंज द डायरेक्शन ऑफ टाइम सीरीज। क्योंकि जो एक्सोजीनस शॉक्स होते हैं, यानी अगर आप लॉन्ग टर्म मॉडलिंग कर रहे हैं, तो जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शॉक आया, उसने पता चला कि हमारी ग्रोथ को बहुत बढ़ा दिया, तो लॉन्ग पीरियड के लिए यूनिवेरिएट टाइम सीरीज मॉडलिंग बहुत अच्छी नहीं है फोरकास्टिंग के लिए। लेकिन हाँ, शॉर्ट पीरियड फोरकास्टिंग के लिए इट प्रोवाइड रीजनेबल इनपुट एस्टिमेट्स यूनिवेरिएट टाइम सीरीज मॉडलिंग, एरमा और एरमा मॉडल। क्योंकि लॉन्ग रन में एक्सोजीनस शॉक्स की वजह से जो डेविएशंस हैं वो लॉन्ग रन में थोड़ा डिफरेंट पाथ फॉलो कर सकते हैं, तो जो फोरकास्ट एरर है वो लार्ज हो सकते हैं। और लास्ट में पैरा में लिखा, मोर ओवर दीज प्रोजेक्शन मे बी यूज एज बेंच मार्क, यानी जो आप टाइम सीरीज मॉडल से फोरकास्ट निकाल रहे हैं यूनिवेरिएट टाइम सीरीज, उसको आप बेंच मार्क की तरह यूज कर सकते हैं टू कंपेयर विद फोरकास्ट मेड ऑन द बेसिस ऑफ सम अदर मोर कॉम्प्लिकेटेड मल्टीवेरिएट मॉडल। कि अगर आप उसको कंपेयर करना चाहें किसी दूसरे मल्टीवेरिएट मॉडल से, तो आप कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि डिफरेंस कितना। तो कई बार मैंने देखा था, जैसे 12th 5 ईयर प्लान का था, शुरू में प्रोजेक्शन उसमें 9% रखा गया था। 12th 5 ईयर प्लान जब तैयार हुआ था तो 9% ग्रोथ का टारगेट दिया गया था, लेकिन वो ग्रोथ का टारगेट बाद में लगा बहुत हाई है, उसको रिवाइज करके 8% किया गया। तो जो 9% आया था वो बेसिकली मैंने देखा था कि इट वॉज बेस्ड ऑन द यूनिवेरिएट टाइम सीरीज मॉडलिंग। अगर आप यूनिवेरिएट टाइम सीरीज मॉडलिंग से फोरकास्ट करते हैं तो आपको 9% मिलेगा। लेकिन अगर आप को इंटीग्रेशन या कोई और मेथड यूज करते हैं तो उस केस में आपको फोरकास्ट उतना अच्छा नहीं मिलेगा, आपको कम मिलेगा। 9% अच्छा मतलब है आपको कम मिलेगा, सॉरी अच्छा नहीं है, आपको उतना हाई फोरकास्ट नहीं मिलेगा बल्कि आपको कम मिलेगा। तो आप कंपेयर कर सकते हैं या कोई और मेथड यूज कर सकते हैं, तो आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि वेरिएशंस कितना है। तो यूनिवेरिएट टाइम सीरीज मॉडलिंग जो है अच्छी एक्सरसाइज है, और कई बार बहुत रीजनेबल और रैशनल प्रोजेक्शंस आपको शॉर्ट रन में ये दे सकता है, लेकिन लॉन्ग रन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज नहीं है एरिमा मॉडलिंग, उसके लिए आपको कोई और मॉडल यूज करना पड़ेगा। लेकिन टाइम सीरीज मॉडलिंग एक स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर आप फाइनेंशियल इकोनोमेट्रिक्स या टाइम सीरीज मॉडलिंग को पढ़ना चाहते हैं, कोई इंटीग्रेशन वगैरह को पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए एक रीजनेबल और गुड स्टार्टिंग पॉइंट है, और इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में। तो जितना भी डिटेल मैं दे सकता था आपको टाइम सीरीज मॉडलिंग का डिटेल मैंने दे दिया है, इससे ज़्यादा डिटेल मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप को इंटीग्रेशन इसमें और पढ़ सकते हैं, यू कैन स्टडी को इंटीग्रेशन, वो ऑलरेडी यूट्यूब पे लेक्चर अपलोडेड है, आप उसको पढ़िएगा और कोई दिक्कत है आप पूछ सकते हैं। यूनिट 1 में हमने आपको बताया था जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर मॉडल है, वो भी अपलोडेड है यूट्यूब पे, आप उसे पढ़िए जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर मॉडल। और GLM भी अपलोडेड है, वो भी हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। और लास्ट यूनिट में हम आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल पढ़ा चुके हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन लास्ट में। तो अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं एक लेक्चर उस पर लूंगा, लेकिन कुछ कह नहीं सकता, जितना पढ़ाया उतना जरूर आप कर लीजिए। तो ये आपका हमारी तरफ से टोटल में कोर्स है एडवांस इकोनोमेट्रिक्स में। फिर भी अगर आप कोई चीज और पूछना चाहते हैं, कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमें फोन करके आप हमसे पूछ सकते हैं, इफ यू वॉन्ट टू टेक एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन। पहली यूनिट में GLS मॉडल है, अगर आपको कोई दिक्कत लगे YouTube लेक्चर में आप मुझे फोन करके पूछेगा, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे।
जीएलए में आपको कई बार पढ़ा चुके, इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और आपको शुरू में हमने थोड़ा सा मान वर्ड कंडीशंस के बारे में बताया था, एसिम्प्टोटिक जस्टिफिकेशन दिया था और कहा था कि ये भी यूनिट वन का पार्ट है, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। बाकी यूनिट रूट टेस्ट जो है, वहाँ जो आपको कराया था व्हाट इज यूनिट रूट टेस्ट, और यूनिट रूट टेस्ट का मैं मैकेनन क्रिटिकल वैल्यूज के बारे में आपको बताया, डिकी फुलर टेस्ट के बारे में बताया, वो सारी चीजें आपका जो है मैं यूनिट थ्री का पार्ट है मेरे ख्याल से। और इसके बाद अभी आपको मैंने ये एस्टिमेशन प्रोसेस के बारे में बताया, एरिमा और एरिमा मॉडल का, और को इंटीग्रेशन का लेक्चर ऑलरेडी लोडेड है जो यूनिट थ्री का पार्ट है। और लास्ट जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल, उसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं आपसे लास्ट सेमेस्टर में, उसको थोड़ा आप पढ़ लीजिए और कोई दिक्कत तो पूछ लीजिए, अगर मुझे जरूरत लगेगी तो एक लेक्चर थोड़ा लूंगा, ये तो अभी उतना ही आप पढ़िएगा उतना ही रखिएगा। और बाकी संजीव जी जो पढ़ा रहे हैं उसको आप पढ़ लीजिएगा, फिर भी आपको कोई ज़रूरत लगे या कोई दिक्कत कहीं पे आपको एहसास हो दिक्कत का तो वो आप पूछ सकते हैं फ़ोन करके। आप आराम से पढ़िए, अभी आपके पास टाइम है थोड़ा एग्ज़ाम का, एनी टाइम यू कैन कॉल मी, मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी प्रॉब्लम को मैं अटेंड करूं और उसको एड्रेस भी करूं। तो गुड लक फ्रॉम माय साइड, गुड विशेस फ्रॉम माय साइड, आप लोग तैयारी करते रहिए और कोई भी अगर जरूरत हो आप बताइएगा। अब मैं थोड़ा सा आपका लेक्चर बनाऊंगा गेम थ्योरी पे, शुरू में सिंपल आपको दूंगा, बाद में थोड़ा और डिफिकल्ट होता जाएगा, तो उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, फिर एक एक करके वो भी लेक्चर अपलोड कर दूंगा। ओके, गुड लक, गुड बाय, गुड विशेस टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट।